नमस्ते मेरे स्टाइलिश दोस्तों, Amazon Find पे लास्ट बार जब हम मिले थे तभी मैंने बोला था कि सांग जी के उस मफलर स्टाइल कैप को क्लोथ रेडी में रिक्रिएट करना है और गैस करो हो गया काम। हाँ जी बिल्कुल बन गई कैप और हाल ही में तो मैं बाजार भी निकली थी कुछ खास फैब्रिक ढूंढने और क्या देखती हूँ, एकदम सही फैब्रिक मिल गया, बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ 150 रुपए मीटर। लग रहा था जैसे ओरिजिनल कैप का जुड़वा भाई मिल गया। हाँ, अगर क्यूरियोसिटी ने आपको भी घेर लिया है कि मैं कौन सी मार्केट गई थी तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट डालो, बता दूंगी। लास्ट वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बोला था कि हम फॉलिंग इनटू योर स्माइल जरूर देखें, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि मैंने वो सीरीज देखनी शुरू कर दी है। अब वो सीरीज मुझे कैसी लगी ये मैं खत्म करके आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं हिडन लव की। उफ, वो सीन जहां जे का दिल टूटा था, वही सीन जहां हम सबका भी दिल चकनाचूर हो गया था, लेकिन रोते रोते भी जो चीज अटेंशन ग्रैब कर रही थी वो थी हमारी प्यारी सी कैप। सीरीज के बाद तो बाजार में और ऑनलाइन हर जगह इस कैप के चमकते क्लोन्स दिखने लगे, तो क्यों ना आज हम भी अपने लिए एक शानदार कैप बनाएं? पर अगर आप अपने लिए ये कैप नहीं बनाना चाहते तो आप इस लिंक पे जाके भी एक सिमिलर लुक अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इस कैप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैप बनाने के लिए सबसे पहला काम है नाप तोल। दो नाप चाहिए होंगे, एक तो कैप की ऊंचाई और दूसरी उसकी चौड़ाई। अभी तो मैं एक रैंडम साइज से शुरुआत की है, बाकी फिटिंग तो अवतार पे आके ही पता चलेगी। तो चलो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। मैंने तो 9x7 का बनाया है। अब डिवीजन की बारी, पहले सारे डिवीजन्स कर लेते हैं फिर शेप पे काम करेंगे। फ्रंट शेप के लिए यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा दो। टॉप लाइन को भी आधा आधा बांट दो, बैक सेंटर लाइन को भी वैसे ही, और फिर टॉप पे 1 इंच नीचे एक और पॉइंट ऐड करो। अब एक इंटरनल लाइन बनाओ और वो भी बाहर की तरफ। हाँ जी हो सकता है, टेंशन मत लो, वो लाइन होगी 0.75 इंच की। एंटर दबाओ और काम खत्म करो। कैप की विड्थ का आधा हिस्सा लेकर वहां से एक और लाइन ऐड करो और हाँ, उसमें से 0.75 इंच घटा देना। मेरा तो 8 है तो मैं 7.25 इंच ले लूंगी। शेप के लिए यहां से भी 1 इंच का पॉइंट ऐड करो। अब शेप बनाने का टाइम आया। ऊपर के पॉइंट्स को छोड़ो, हम वहां लाइन को कर्व बना के ले जाएंगे कर्वेचर टूल की मदद से। अरे एक पॉइंट ऐड करना रह गया, तो 2 इंच पे एक और पॉइंट ऐड करो और फिर इंटरनल लाइंस बनाओ और एडजस्ट करो। अगर शेप अजीब लग रही हो तो थोड़ा शिफ्ट कर दो। बोर्ड पर आई दबा के ट्रेस टूल को ऑन करो और शेप को ट्रेस करो, बिल्कुल मेरी तरह। अब इस पैटर्न को साइड पे रख दो क्योंकि मेन पैटर्न रेडी है। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करो, राइट क्लिक करके उस पॉइंट को कर्व पॉइंट में बदल दो। अब मफलर बनाने का टाइम आया, तो उसका नाप लो और एक बड़ा रेक्टेंगल बनाओ। हो सकता है रेक्टेंगल छोटा लगे पर हम जरूरत पड़ने पर ही बड़ा करेंगे। तो लाइन है 7.569, तो मैं 15x4 का रेक्टेंगल बनाऊंगी। जो पैटर्न चाहिए नहीं वो आप डिलीट कर सकते हो या फ्रीज कर दो, जो आपको ठीक लगे। अब एक अवतार ऐड करते हैं जो कैप पहन के दिखाए। शुक्रिया एमजी। अरेंजमेंट पॉइंट से अपर पार्ट सेट करो और नीचे वाला मैनुअली, नहीं तो ये नेक पे अजीब शेप ले लेगा।
फ्री स्विंग टूल से स्टिच करो और नेक पे तो खुद ही ड्रेप करना पड़ेगा। एक और पैटर्न की कॉपी बना लो फिनिशिंग स्टेप्स के और करीब आने के लिए। कॉपी करने का फायदा ये है कि पैटर्न अपने आप ही फिट हो जाते हैं। मिरर पेस्ट करने पर तो और भी मजा आता है। अब फ्री स्विंग टूल से पैटर्न को सिल लो। 3D विंडो में क्रॉस चेक करना मत भूलना, गलत स्टिचिंग से टाइम वेस्ट हो सकता है। सिमुलेशन के बाद पता चला है कि कैप तो बच्चे की बन गई है, तो सही मेजरमेंट से काम करो और मस्ती के साथ डिजाइनिंग करो। अब मैं इसे 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कर लेती हूँ। और इस पॉइंट को करते हैं 1 इंच अंदर। सेम दूसरी साइड। इसके बाद फ्री स्विंग को एडजस्ट करें, क्योंकि नीचे वाले पैटर्न को नहीं पता है कि उसे शिफ्ट होना है। एडिट स्विंग टूल ले और स्लाइड करें इस ब्लू डॉट तक। दोस्तों, पहले तो हमारी कैप की पीक को थोड़ा सा प्यार से एडजस्ट करते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चिड़िया ने अपनी चोंच छोड़ दी है। तो चलो उसको 1 इंच और लंबा कर देते हैं। और ये जो बाल निकल रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे किसी फिल्म के विलन के, इन्हें हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इसकी शेप को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और फिर इस मफलर को इस पर ऐसे ड्रेप करते हैं जैसे फिल्मी हीरो अपने केप को लहराता है। तो इसे 10 इंच और लंबा कर लेते हैं। फिलहाल हमें इसके अपोजिट साइड की नीड नहीं है, तो हम उसे हाइड कर लेते हैं। अब काम तो करना है ध्यान से, तो पहले इस ट्विस्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथनिंग के फंडे के लिए आई बटन है ना, तो वहीं आप जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। पिन टूल लेकर अब हम इस कैप को नेक पर ऐसे सेट करेंगे जैसे कोई ज्वेलरी सेट होती है। और हाँ, पिन्स को हटा भी देंगे क्योंकि काम हो चुका है। हाफ साइड तो तैयार है, अब दूसरी साइड को भी इसी अंदाज में सेट करते हैं। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं आप इतने गाना सुनने और समझें। इसकी लेंथ अब 10 इंच और बढ़ा देते हैं। उप्सी, नीचे का पैटर्न थोड़ा अजीब हो गया है, स्टिचिंग में गड़बड़ हो गई है। कोई नहीं, मैं इतने सेट करती हूँ, आप भी ट्राई करो, मजा आएगा। अवतार के बाल तो बड़े ही नखरे वाले हैं। अगर किसी को पता हो इन्हें कैसे संभाले तो कमेंट बॉक्स में राज खोले। तब तक मैं अपना अवतार चेंज कर लेती हूँ, नया लुक तो बनता है। अब फैब्रिक का जादू चलाते हैं। सभी पैटर्न को सिलेक्ट करके डबल साइडेड ऑप्शन को जादू की झप्पी देते हैं और थिकनेस को भी थोड़ा सा प्यार देते हैं। 24 नहीं 22 कर देते हैं। अगर फर्क ना दिखे तो वर्टिकल व्यू टॉगल मेन्यू में जाकर मेरी तरह एक स्टाइलिश ऑप्शन चूज करें, जैसे कि थिक टेक्सचर सरफेस। और अब फैब्रिक टाइप चेंज करते हैं और इसे फर फैब्रिक बना लेते हैं ताकि हमारे जादू की छड़ी चल सके। यहाँ पे टैरी क्लॉथ सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी सॉफ्टनेस, लेंथ और थिकनेस में अपना सीक्रेट मसाला मिलाते हैं। कलर तो है ही हीरो, बिना इसके तो कैप अधूरी है। ईयर्स अभी बाकी है तो चलो उन्हें भी बना देते हैं। इंटरनल लाइन सेट करते हैं और फिर कर्व के लिए मैजिक वैंड घुमाते हैं। सेट करते हैं और पार्टिकल डिस्टेंस को 5 कर देते हैं सॉफ्टनेस के लिए। अब
दूसरी साइड के लिए कॉपी पेस्ट का जादू चलाते हैं और स्टिच भी कर देते हैं। डबल साइड विद थिकनेस का तड़का लगाते हैं और सिमुलेशन के बाद ईयर्स को परफेक्ट जगह पे सेट कर देंगे और लो बन गई हमारी कैप बिल्कुल सेंट जी स्टाइल में। अगर कोई सवाल हो या कोई जादू सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजो। सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ रोज नया फैशन बनता है। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी क्राफ्टिंग।